अध्यायक मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये दूसरा वीडियो है बेटा, भाग दो दिया हमने। प्रकृति का मानव पर प्रभाव तथा मानव का प्रकृति पर प्रभाव। प्राचीन काल से मानव अपने भौतिक पर्यावरण को जो है प्रभावित करता रहा। प्राचीन यानी बहुत समय से मनुष्य ने क्या किया है कि अपने क्रियाकलापों के द्वारा जो है पर्यावरण को जो है प्रभावित करता रहा है तथा उससे प्रभावित भी होता रहा है। दोनों बातें हैं कि एक तो मनुष्य पर्यावरण को जो है प्रभावित करता है और दूसरा वो स्वयं पर्यावरण से प्रभावित होता है। प्रारंभ में मानव को भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करने में काफी समय लग जाता था। जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी से पेड़ काटने में उसको महीने लग जाते थे, लेकिन आज क्या है बेटा, आज मनुष्य के पास में शक्तिशाली साधन है। उनसे कुछ ही समय में यानी कुछ ही घंटों में वो पूरे पूरे वनों को साफ कर देता है। ट्रैक्टर से जुताई करता है, पहले बैलों से जुताई करता था, हाथ से पहले खोदता था मिट्टी को तब खेती करता था, लेकिन आज क्या है, आज बेटा जो है मनुष्य के पास में ट्रैक्टर है, अनेकों प्रकार के जो है यंत्र चालित जो है यंत्र हैं, यानी जो है क्या कहते हैं ऊर्जा चालित यंत्र हैं, जिससे वो कुछ ही समय में बहुत सारी भूमि को जोत डालता है, खेती करता है। सभ्यता के हजारों वर्षों के विकास यात्रा में मानव ने अपनी प्रौद्योगिकी को सुधारते सुधारते बहुत जो है परिष्कृत कर लिया है। यानी आज उसने कारखाना लगाना शुरू कर दिया अपनी बुद्धि के द्वारा, और आज की कंडीशन ये है कि आज मनुष्य जो है प्रकृति को बहुत काफी जो है प्रभावित कर रहा है। अब बेटा अगली हेडिंग आपकी है प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विकास में परस्पर संबंध। प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विकास में प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विकास में परस्पर संबंध है यानी रहा है। तो क्या संबंध रहा है बेटा, जैसे जैसे मनुष्य को जो है प्रकृति के नियमों का ज्ञान होता गया, यानी ज्यों ज्यों वो जो है प्रकृति को जो है समझता गया, वैसे वैसे वह प्रौद्योगिकी को उन्नत करता गया। उदाहरण के लिए जैसे उसने घर्षण और ऊष्मा के नियम को जान करके उसने आग की खोज कर दी। घर्षण और ऊष्मा के नियम को जान करके उसने आग की खोज की। डीएनए तथा अनुवांशिकी के रहस्य जानकर मनुष्य ने नई दवाएं बनाई और रोगों पर उसने नियंत्रण करना प्रारंभ किया। वायु की गतिकी के नियम का उपयोग करके अत्यंत तीव्र गति से जो है चलने वाले उसने वायुयानों का निर्माण कर लिया, यानी वायुयान बना लिए, जहाज बना लिए। तो ये जो है प्रौद्योगिकी की देन है, उसकी जो है सोच की देन है। अब बेटा आता है आपका नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चय वाद, ये जर्मन विचारधारा है बेटा, जर्मन विचारधारा है, जर्मन विचारधारा। तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण के अधीन है, यानी जो नियतिवादी विद्वान हैं, जो नियतिवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना ये है कि मनुष्य जो है पर्यावरण के अधीन रहता है और मनुष्य के सभी क्रियाकलाप जो है प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी मनुष्य
जो है स्वतंत्र नहीं है। इनके यानी जो है नियतिवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका जो है कथन है कि जो मतलब मनुष्य है वो पूर्ण रूप से जो है प्रकृति पर आश्रित है, अर्थात जो है प्रकृति का गुलाम है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। कहा गया है, उन्होंने बताया है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलाप उसके पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने दिया है कि पर्यावरण ही मनुष्य के समक्ष को जो है स्वरूप प्रदान करता है। यानी मनुष्य जो मतलब पर्यावरण है वो मनुष्य के समाज को क्या करता है, स्वरूप प्रदान करता है, तथा उसका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, मकान, बस्ती आदि। यानी जैसी जो है वहां की क्लाइमेट होगी, जैसी वहां की जो है प्रकृति होगी, उसी हिसाब से उसका खान पान होगा। जैसे टुंडा प्रदेश के लोग हैं, टैगा प्रदेश के लोग हैं, तो वहां पर खाद्यान्न पदार्थ प्राप्त नहीं होते, ज्यादातर लोग जो है शिकार करके मांस वगैरह खाते हैं। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय प्रदेशों में वहां पर भी खेती कम होती है, वहां का मनुष्य जो है शिकारी होता है, तो वहां का व्यक्ति मांस अधिक खाता है। अब जैसे मानसूनी प्रदेश है, ये जो है क्या कहते हैं कि जो है कृषि प्रदेश है, तो यहाँ का मनुष्य क्या करता है, यहाँ का मनुष्य जो है अनाज खाता है, शाकाहारी होता है, तो ये उसकी खान पान व्यवस्था, रहन सहन। उसी प्रकार से वो जैसी क्लाइमेट होती है, जैसा पर्यावरण होता है, उसी हिसाब से उसका रहन सहन बनता है। वेशभूषा, कपड़े आदि, गर्म प्रदेशों के लोग जो है सूती कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, अधर नंगे होते हैं, और जो बेटा जो है ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं वह अपना पूरा जो है शरीर ढके रहते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं या जो है चमड़े के कपड़ा पहनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसा वहां का पर्यावरण है उसी के हिसाब का जो है मनुष्य जो है वेशभूषा धारण करता है, मकान उसी हिसाब के जो है बनाता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में पूरे मकान बंद बनाए जाते हैं, समशीतोष्ण प्रदेशों में आधे खुले आधे बंद जो है मकान बनाए जाते हैं, और जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां पूर्ण रूप से जो है खुले मकान बनाए जाते हैं। बस्तियां इसी प्रकार से जैसी जलवायु होती है वैसी बस्तियां, जैसे धरातल के हिसाब से मान लीजिए जो है पर्वतीय क्षेत्रों पर हम यदि जाते हैं तो वहां पर ऊबड़ खाबड़ बस्ती होती, मैदानी भागों में बड़े बड़े शहर होते हैं। तो जिस हिसाब का पर्यावरण होता है उसी हिसाब से जो है मनुष्य अपनी बस्ती भी, यानी मनुष्य सामंजस्य स्थापित करता है जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में। तो इस विचारधारा में मनुष्य निष्क्रिय तथा जो है प्रकृति सक्रिय होती है। निश्चयवादी विचारधारा के जो विद्वान हैं ये जो है बताते हैं कि जो है प्रकृति के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है, यानी मनुष्य जो है प्रकृति के अधीन है। जैसी जो है प्रकृति होती है वैसा ही उसके जो है क्रियाकलाप होते हैं। अगला दिन बेटा है, संसार के सभी आदिवासी प्रकृति के दास हैं। अब बेटा जो संसार के आदिवासी हैं वह क्या है, प्रकृति के दास हैं बेटा। चाहे कालाहारी का बुशमैन हो, चाहे कांगो का जो है पिग्मी हो, या अरब के बद्दू हो, तो ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मैंने आपको बता दिया कालाहारी कहाँ है और ये जो है सऊदी अरब कहाँ। जैसे ऐसे आप देखें ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी, तो यहाँ का जो है बुशमैन यहाँ पर रहता है, यहाँ कौन रहता है, बुशमैन रहता है। दूसरा उन्होंने बताया है कालाहारी और कांगो, कांगो बेटा विषुवत रेखीय प्रदेशों के आसपास पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ का जो है पिग्मी है, पिग्मी, और ये सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब यहाँ पर बद्दू, यानी ये आदिवासी थे, इनका मुख्य जीवन क्या था, जैसे बद्दू लोग क्या करते थे, यानी जो है तंबू लगा करके जो है चरवाहे
यानी ऊंट वगैरह पालते थे, बकरी पालते थे, भेड़े पालते थे, जहां पर ये लोग जो है घास फूस या जल इनको मिल जाता था, क्योंकि सऊदी अरब जो है मरुस्थल है, वहां पर ये लोग क्या करते थे, वहां पर ये लोग अपना तंबू बना लगा करके वहां पर जो है निवास करते थे, और घास पानी समाप्त हो जाता था तो अन्य स्थानों को जो है चले जाते थे। पिगमी है बेटा, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, खेती कम होती है, रोज वर्षा होती है, तो ये बेटा आलसी पाया जाता है, इसकी आदत है, लेकिन ये जो है शिकार करता है, पेटू बहुत होते हैं, ये व्यक्ति छोटा होता है लेकिन भोजन बहुत करते हैं। कालाहारी मंडल के जो है बुशमैन है, ये भी चरवाहे होते हैं, पशुपालन जो है करते हैं। बेटा आपको पढ़ाया जाएगा नियतवाद के समर्थक कौन कौन है बेटा, तो प्रारंभिक समर्थक हैं नियतवाद के नियतवाद के प्रारंभिक समर्थक नियतिवाद के प्रारंभिक समर्थक यानी नियतिवाद का किन किन लोगों ने जो है समर्थन किया है, कहा है कि यह सत्य है कि जो है मनुष्य प्रकृति का दास है। प्राचीन यूनानी और कहां किया रोमन विद्वान जो है नियतिवाद के समर्थक थे। प्राचीन यूनानी, यूनान के भूगोलवेत्ता और कहां के रोम के भूगोलवेत्ता, यूनान के जैसे भूगोलवेत्ता थे अरस्तु और हेरोडोटस। कौन थे भैया? अरस्तु भी भूगोलवेत्ता थे, अरस्तु और हेरोडोटस जो थे, इन्होंने नियतिवाद का जो है समर्थन किया है। तो ऐसे बेटा विचारधारा के ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग थे यूनान के लोग और जो है रोम के लोग थे। अब बेटा नियत काल के मध्य नियत काल के मध्यकालीन और जो है आधुनिक समर्थक हैं नियतिवाद के। कौन भैया है? मध्यकालीन और आधुनिक समर्थक। तो नियतवाद निश्चयवाद है बेटा। तो मध्यकाल के नियतवाद के समर्थक अरब के भूगोलवेत्ता, अरबी भूगोलवेत्ता जो है मध्यकाल में, जिनका नाम है जैसे अल मसूदी। क्या नाम है? अरब के हैं बेटा। कहां के हैं? अरब के हैं, जैसे अल मसूदी और अल इदरीसी तथा अल खालदून आदि हैं भैया। तो यहाँ तीन भूगोलवेत्ता हैं, अल मसूदी हैं, अल इदरीसी हैं और अल खालदून आदि। ये भूगोलवेत्ता जो हैं ये मध्यकाल के हैं। जर्मनी के दार्शनिक भूगोलवेत्ता हैं भैया, ये भी मध्यकाल के हैं, जैसे इसमें आपके कांट आते हैं, इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है, यह तो इमैनुअल कांट हैं, हम्बोल्ड हैं, कार्ल रिटर हैं और रेटजल हैं। तो ये बेटा जर्मनी के विद्वान मानते हैं कि जो है मनुष्य क्या है, यह प्रकृति का दास है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एलन सैंपल और एल्बर्ट हंटिंगटन ये जो है नियतवादी विचारधारा के क्या हैं? समर्थक हैं। अब बेटा आपका आता है नियतवाद पर कुमारी शंपल के विचार हैं, देख लें। नियतवाद, नियतवाद कहो बेटा चाहे निश्चयवाद कहो, नियतवाद पर कुमारी शंपल के विचार हैं। तो कुमारी शंपल क्या बताती हैं? शंपल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भौतिक वातावरण के जो है प्रभाव, इनकी पिता पुस्तक है भौतिक वातावरण के प्रभाव, ये इनकी बुक है, ये इनकी पुस्तक है भौतिक वातावरण के प्रभाव, इसका नोट्स भी हम दे देंगे प्यारे बच्चों।
सिंपल ने अपनी प्रतिपूर्ता भौतिक वातावरण के जो है प्रभाव में नियतिवाद को मानव भूगोल का प्राण माना है। उनके अनुसार मनुष्य का जन्म जो है पृथ्वी से हुआ है और वह जो है पृथ्वी का शिशु मात्र ही नहीं अर्थात वह जो है पृथ्वी का खाक मात्र का जो है पुतला ही नहीं है, वर्ण जो है पृथ्वी उसकी माता है। इन्होंने सैंपल ने जो है बताया है कि जो है पृथ्वी मनुष्य की क्या है, माता है। जिसने उसे मातत्व तो दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्यों को जो है नियत किया है, उसके विचारों को निर्देशित किया है, उसके सामने यह क्रांतियां प्रस्तुत की हैं, जिससे उसका शरीर मजबूत हुआ है ना, कठिनाइयां प्रस्तुत यानी उसने जो है यानी जो है प्रकृति ने मनुष्य के सामने कठिनाइयां प्रस्तुत की हैं, जिससे उसका शरीर क्या हुआ बेटा जो है मजबूत हुआ है तथा उसकी बुद्धि क्या हुई है कुशाग्र हुई है तेज हुई है। ये कुमारी जो है सैंपल के विचार हैं। अब बेटा नियतिवाद की कुछ विद्वानों ने आलोचना किया है कि ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है प्रकृति का दास नहीं है। तो बेटा हम देख लेते हैं नियतिवाद की आलोचना। नियतिवाद की आलोचना या दोष कहो चाहे कमियां कहो, है ना। तो ये बेटा नियतिवाद की आलोचना। कुछ विद्वानों ने नियतिवाद की आलोचना किया है। तो नियतिवादी विचारधारा का बोलबाला 20वीं शताब्दी के 20 वर्ष यानी पहले 20वीं शताब्दी के पहले 20 वर्षों तक तो रहा, किंतु बाद के विद्वानों ने इसे एक पक्षी दृष्टिकोण करार जो है देकर इसको खारिज करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि नहीं यानी जो है मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, यानी वो भी जो है प्रकृति का एक अंग है ऐसा उन्होंने माना है, और वो भी जो है यानी मनुष्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण से जो है प्रभावित ही नहीं होता है, वो जो है प्राकृतिक पर्यावरण को जो है प्रभावित भी करता है। तो इन लोगों ने क्या किया नियत यानी कुछ लोगों ने क्या किया कि जो है नियतिवादी विचारधारा का खंडन किया है। तो खंडन इस जो प्रकार से किया है कि जो है मनुष्य पर्यावरण की एक जो है कठपुतली मात्र नहीं है, यदि वह पर्यावरण के तत्वों उच्चावस तापमान आर्द्रता वनस्पति तथा मृदा से प्रभावित होता है तो उसकी सोच अपने विज्ञान तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण को जो है प्रभावित भी करता है। मनुष्य अपनी सोच से अपने ज्ञान विज्ञान तथा जो है तकनीकी से क्या करता है पर्यावरण को जो है प्रभावित करता है। जैसे वो वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाता है और कोयला निकाल करके ताप विद्युत बनाता है, लोहा निकाल करके अनेकों प्रकार के यंत्र बनाता है। तो मनुष्य क्या है यानी जो है पर्यावरण को जो है प्रभावित भी करता है। गर्म प्रदेशों में वो एसी लगा लेता है और ठंडे प्रदेशों में वो क्या करता है हीटर लगा लेता है। ऐसी विचारधारा बताया है यानी जो आलोचक हैं। दूसरा बिंदु बेटा है नियतिवादी जो है प्रकृति के समक्ष मनुष्य को लाचार बेबस निष्क्रिय तथा दास के रूप में जो है स्वीकार किया है। इस पर स्पेट ने लिखा है कि पर्यावरण स्वयं में अर्थहीन वाक्यांश है ना। स्पेट ने कहा है कि पर्यावरण स्वयं में क्या है बेटा एक अर्थविहीन वाक्यांश है, बिना मानव के पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि मनुष्य यदि नहीं है तो पर्यावरण भी नहीं है। उनका मतलब है कि पर्यावरण का कोई अस्तित्व मनुष्य के बिना नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु बेटा रिचर्ड हार्सोन ने यह कहकर नियतिवाद को नकार दिया कि संगठित विज्ञान के रूप में
भूगोल का विरोधी है। यह जो है प्रकृति और मानव को अलग करता है और विषय की मूलभूत एकता को नष्ट करता है। यानी उन्होंने कहा कि जो नियतिवाद है ये क्या कर रहा है कि जो है प्रकृति और मनुष्य को अलग करता है, जबकि यानी मनुष्य के बिना जो है प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है और जो है प्रकृति के बिना मनुष्य की जो है कल्पना नहीं है, तो मनुष्य के द्वारा जो है पर्यावरण की भी कल्पना नहीं है। इन्होंने हार्शोन ने इस प्रकार के अपने विचार जो है प्रस्तुत किए हैं। ठीक भैया, तो अब आपको हम दूसरा पढ़ाएंगे संभववाद। संभववाद क्या है? संभववाद या संभावनावाद। तो अगला जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है संभववाद या संभावनावाद। ये हमने आपको नियतिवाद पढ़ाया, अब आपको पढ़ाया जाएगा संभववाद। या संभावना वाद ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा इसमें फ्रांसीसी विचारधारा है, फ्रांसीसी विचारधारा। देखें बेटा, तो बेटा समय बीतता गया, मनुष्य विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, मनुष्य सामाजिक और शांति विकास के साथ साथ बेहतर और सक्षम जो है प्रौद्योगिकी का विकास जो है करता गया। अब बेटा विकसित प्रौद्योगिकी के परिणाम है, ज्यो-ज्यो समय बीतता गया मनुष्य कारखाने लगाता गया, नई नई वस्तुओं का निर्माण करता गया, अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन करता गया। तो अब देखें बेटा यह विकसित प्रौद्योगिकी के परिणाम, विकसित प्रौद्योगिकी के परिणाम, विकसित प्रौद्योगिकी के परिणाम है बेटा मानव जो है क्या किया है, मानव अनिवार्यता जिसको कहते हैं मजबूरी की अवस्था से मुक्ति की ओर बढ़ता है। उन्होंने बताया है यानी प्रौद्योगिकी का जो मतलब परिणाम है कि मनुष्य मजबूरी से किधर बढ़ रहा भैया, यानी क्या है कि मुक्ति की ओर बढ़ रहा। यानी पहले वो हाथ से पंखा करता था, पहले तो उसको ज्ञान नहीं था तो उसकी गर्मी लगती थी, फिर वो हाथ से पंखा करता था और जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने शक्ति चालित पंखे तैयार कर लिए, तो क्या हुआ कि उसको मुक्ति मिली। मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों का निर्माण करता है बेटा, जो पर्यावरण से उसे लोहा वगैरह प्राप्त होता है उससे वो क्या बनाता है, संसाधन बनाता है। अगला बिंदु है मानव के क्रियाकलाप सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य भैया जैसे कुर्सी है, मेज है, स्टूल है, जो है तो मकान है, ये सब जो है बनाता है मनुष्य। कुछ और बेटा सांस्कृतिक भूदृश्य हैं जैसे पहाड़ियों, पहाड़ियों पर खेत, पहाड़ियों को काट करके वो सीढ़ी नुमा खेत जो है तैयार कर लेता है। यानी कहने का मतलब कि जो है प्रकृति का दास मनुष्य नहीं है, वो चारागाह बनाता है, समुद्र तटों पर पत्तन बना लेता है, दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए, पानी के अंदर व्यापार करने के लिए, यानी जल के अंदर व्यापार करने के लिए वो जो है समुद्र के तटों पर क्या करता है, बंदरगाह बना लेता, पत्तन बना लेता है, महासागरों के जल में मार्ग बना लेता है और अंतरिक्ष में जाकर के उसने उपग्रह सेट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो टेलीफोन व्यवस्था है, नेटवर्किंग व्यवस्था है, इसको उसने संचालित कर दिया। तो मनुष्य कहने का जो है मतलब है
कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास नहीं है। संभववादी विचारधारा के जो भूगोल वेता हैं उनका ये जो है कथन है। नेक्स्ट दिन बेटा है, प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता, है ना बेटा। जैसे कह रहे हैं कि जो मतलब प्राकृतिक जीवन है वो मानव जीवन को जो है प्रभावित नहीं करता है, पर्यावरण मानव जीवन को जो है प्रभावित नहीं करता। ये संभववादी विचारधारा के लोग मानते हैं, उनका कथन है कि यदि उसको पानी की आवश्यकता है तो क्या करता है, वो नहरें खोद लेता है, है ना, नहरें खोद करके जो है सिंचाई कर लेता है। पर्वतीय ढालों पर जहां पर खेती नहीं की जा सकती है वहां पर यानी जो है प्रकृति खेती योग भूमि नहीं बनाई, फिर भी वो सीढ़ीनुमा खेत बना करके खेती करने लगता है। जहां पर बाढ़ ज्यादा आती थी, ये भी प्राकृतिक आपदा है, वहां पर उसने बांध बना करके बाढ़ को क्या किया, नियंत्रित कर दिया है। और वातानुकूलित घरों का निर्माण किया, जहां पर ठंडक है मैंने अभी बताया वहां पर हीटर वगैरह बना तो लगा लेता है, और जहां गर्म प्रदेश है वहां पर एसी वगैरह लगा लेता है। तो इस प्रकार से क्या है कि मनुष्य यानी तो ये जो सब उसके जो है क्रियाकलाप हैं, तो ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य जो है श्रेष्ठ है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है पर्यावरण का दास नहीं है। संभववादी विचारधारा के लोग बताते हैं कि यह है मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, वो दास नहीं है। अब बेटा संभववाद के समर्थक कौन है, संभववाद के समर्थक, तो बेटा संभववाद के समर्थक कौन कौन है, लुसियान के लुसियन फैवारे प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार को इन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है। बेटा लुसियन फैबरे जो हैं, ये जो है प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार थे, इनको संभववाद का क्या कहा गया है, जनक कहा गया है। लुसियन फैबरे, लुसियन फैबरे ये जो है इनको क्या कहा गया है, संभववाद का जनक माना गया है। इनके अतिरिक्त बेटा जीन ब्रोन्स हैं, बिडाल डीला ब्लास हैं, ईशा हैं, बाउमैन हैं, कालशौर हैं, ये जो विद्वान हैं भैया ये जो है संभववाद के समर्थक हैं। इनका मानना है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास नहीं है, उसके अधीन नहीं है, अब वो जो है प्रकृति से हट करके भी काम करता है और वो जो है धीरे धीरे प्रकृति का स्वामी बनता जा रहा है। अब बेटा हमको आगे हम जो है पढ़ाएंगे संभववाद की आलोचना, संभववाद की आलोचना, संभववाद की आलोचना की गई है। तो देखिए बेटा संभववादी विचारधारा के विचारकों की मानता है कि यह प्राकृतिक वातावरण में कुछ संभावनाएं निहित है जिनका चयन और विकास करना मानव की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी ध्रुवों पर केला और ग्रीनलैंड में अनानास के पौधे नहीं उगाए जा सकते। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो जो है प्रकृति का नियंत्रण अवश्य है ना, मनुष्य पूर्ण रूप से जो है प्रकृति का स्वामी नहीं है। ठीक बेटा, ये हम आपको अभी आगे नौ निश्चयवाद में जो है पढ़ाएंगे। प्राकृतिक वातावरण के संबंध में एकमत ना होना, बेटा अगला जो बिंदु है इनकी जो आलोचना की गई है, प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य मानना, यानी जो संभववादी विचारधारा के लोग हैं ये प्राकृतिक शक्तियों को बिल्कुल तो नगण्य मानते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अब बेटा हम आगे आपको जो मतलब पढ़ाने जो है पढ़ाएंगे वो है प्राकृतिक वातावरण के संबंध में एकमत ना होना। अब देखिये बेटा जितने जो है संभववादी प्राकृतिक विचारधारा के लोग हैं ये एकमत नहीं है,
किसी के अनुसार मानव जो है प्रकृति के लिए सुअवसर प्रदान करता है। कोई मानता है कि जो है प्रकृति मानव के समक्ष योजना प्रस्तुत करता है तथा कुछ लोगों के अनुसार जो है प्रकृति एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसकी सीमाएं निश्चित हैं। तो ऐसा ऐसा लोग जो है बताते हैं। तो बेटा कुछ भूगोल नेता ऐसे रहे जिन्होंने क्या किया, निश्चयवाद और जो है संभववाद के बीच का एक रास्ता निकाला है और उस रास्ते को कहा गया है नव निश्चयवाद। क्या कहा गया है? नव निश्चयवाद कहा गया है। जो बीच का रास्ता निकाला गया है कि मनुष्य जो है प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, और जो है प्रकृति जो है वो मानव के ऊपर आश्रित है। तो इस हिसाब से जो है कुछ भूगोलवेत्ता, कुछ जो है विचारकों का जो है तो मानना है, या कुछ विचारकों ने बीच का रास्ता निकाला है जिसका बेटा नाम दिया गया है भूगोल में नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद इसको कहा गया है रुको और जाओ, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो है ना, इसका क्या है स्टॉप एंड गो, या इसका दूसरा नाम है या वैज्ञानिक निश्चयवाद, या वैज्ञानिक निश्चयवाद। इन विचारधारा के लोगों का मानना है बेटा कि चौराहे पर जैसे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है और वो हाथ देती कि रुक जाओ, लेकिन आप नहीं मानते हैं, आप चले जाते हैं, तो दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसलिए कहा गया रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो है ना। तो वास्तव में ना तो जो है प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और ना ही मनुष्य का जो है प्रकृति का विजेता। कह रहा है कि वास्तव में ना तो जो है प्रकृति, ना तो जो है प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है, यानी मनुष्य पर वो नियंत्रण नहीं करती है, ऐसी विचारधारा है, और ना ही मनुष्य जो है प्रकृति का विजेता। यदि भूकंप आएगा तो मनुष्य रोक नहीं पाएगा, हाँ ये जरूर है वो अपने यानी भूकंप से अपनी रक्षा कर सकता है। ये बेटा नव निश्चय बात है। यदि बाढ़ आनी है तो बाढ़ आएगी है ना, तूफान आना है तो तूफान आएगा, उसको रोक नहीं पाएगा मनुष्य, हाँ वो अपने अपने को जो है उस आपदा से बचा सकता है। और ना ही मनुष्य जो है प्रकृति का विजेता है, दोनों का एक दूसरे से जो है क्रियात्मक संबंध है। ना तो जो है प्रकृति मनुष्य पर और ना ही मनुष्य जो है प्रकृति पर हावी होता है ना भैया। तो जो है प्रकृति का सहयोग और मनुष्य की संकल्प शक्ति दोनों ही उन्नति का आधार है। निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच के मार्ग की इस अवस्था को नव निश्चयवाद कहा गया है भैया। इसका प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के बेटा एक भूगोल वेता है ग्रिफिथ टेलर 1880 से 1963। इनका क्या नाम है बेटा, इस विचारधारा के जो क्या है बेटा जनक हैं, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ये कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया। ग्रिफिथ टेलर 1880 टू 1963 ने किया। वो अपनी इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा करते थे। टेलर ने मनुष्य पर जो है प्रकृति के प्रभाव को तो जो है स्वीकार किया, किंतु साथ ही यह भी तर्क दिया कि मनुष्य अपनी दक्षता, मानसिक योग्यता तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है प्रकृति का उपयोग भी कर सकता है।
टेलर ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले नियंत्रणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सांस्कृतिक प्रगति की सांस्कृतिक प्रगति प्रकृति की योजना की सीमाओं के अंदर ही की जा सकती है, चाहे मनुष्य पर जो है प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण ना हो फिर भी प्रभाव अवश्य है। ग्रिफिथ टेलर का कथन है कि बेटा जो है प्रकृति का मानव पर नियंत्रण नहीं है लेकिन प्रभाव अवश्य रहता है। जैसे वो ठंडे प्रदेशों में मनुष्य को रहने से रोक नहीं पाता है प्राकृतिक पर्यावरण, लेकिन फिर भी उसको गर्म तो कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, उसको गर्म मकान तो बनाने ही जहे पड़ेंगे। जैसे बहुत गर्म प्रदेशों में प्राकृतिक पर्यावरण मानव को रहने से रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को जो है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना जो है पड़ेगा, उसको खुले मकान बनाने पड़ेंगे, उसको हल्के कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसको एसी लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक पर्यावरण है ना मनुष्य को रोक नहीं सकती है, लेकिन उस पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य रहता है। मानव को जो है प्रकृति की आज्ञा माननी ही पड़ती है। टेलर के नवनिश्चयवाद की संकल्पना का समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है बेटा। जैसे फ्रांसिस बेकन हैं, इन्होंने कहा है कि जो प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरे बेटा जो भूगोल वेत्ता है वह स्पेड, इन्होंने कहा है नवनिश्चयवाद कुछ भी नहीं बल्कि निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आप लोगों को जो है ये दूसरा पार्ट पढ़ा करके इस लेसन को एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है, और इसका आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों की सेवा जो है करें।